बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप अपने ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, हम उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप देखते हो पाइप ब्लॉक हो जाती है ना, फिर क्या करते हैं हम, सबसे पहला तरीका क्या होता है, पानी जोर से फेंकते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जब हमारा हार्ट बीट, जब हम भागते हैं, हार्ट बीट तेज तेज होती है, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बॉडी में हीट पैदा होती है ना, हीट क्यों पैदा होती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है, उस कारण से हमारी बॉडी से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है, पसीना बाहर आना शुरू होता है, कि छोटी मोटी जो ब्लॉकेज होती है बॉडी में, वो उस ब्लड प्रेशर से ही खुल जाती है, उससे हार्ट अटैक होने के, ब्रेन हेमरेज होने के जो चांसेस है ना, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लॉकेज नहीं होगी। हम चीजें गलत खाते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बाजार में हमें गलत मिल रहा है, हमें गलत मिल, दोनों चीजें मिलती हैं, अच्छी भी मिलती है, गलत भी मिलती है, वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को हम लेते हैं, चीजें लेंगे वो हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा होगा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। वैसे ही योगा एक एक्सरसाइज ऐसी है, जिन्होंने भी बनाई है, ध्यान लगा के किया है, जैसे भी किया है, उन्होंने ऐसे बनाई है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, वो कहीं भी बैठ के योगा कर सकते हैं, चाहे चेयर पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। आप एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम में भी आप क्या कर सकते हो, आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हो, उससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है, और जो हमने पढ़ा हुआ है ना, वो दिमाग में रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम बातें करते हैं, दूसरे को पूछते हैं, तूने क्या किया, तूने क्या किया, उससे क्या होता है, दिमाग में टेंशन पैदा होती है, जो आता है वो भी गया। अब ये लड़की योगा करेगी, आसन करके दिखाएगी आपको, सिंपल करना है हमने। हाँ, जब भी हम पार्लर की बात करते हैं, हम शर्ट पकड़ लेते हैं, इसलिए करनी है एक्सरसाइज, हमारी हालत अच्छी रहेगी वो तो ठीक है, लेकिन करने का कारण क्या है, पीटी अच्छी करने का कारण क्या है, एक्सरसाइज करवा जाती है, बैंड बीट पे, एक ड्रम पे, एक बीट पे सारे करेंगे, वो कारण क्या करने का, वो बैंड बजाने का कारण ये है कि हमारे माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन बने, हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाती है, जैसे हमारा दिमाग बोलेगा वैसे ही हमारी बॉडी एक्शन करेगी, इसलिए आपको पीटी करवाई जाती है, जो आपको लगता है सिंपल सी तो है, सिर्फ हाथ ही ऊपर नीचे करवा रहे हैं, वो सिंपल नहीं है, आपको ए लिखना सिखाया जाता है ना, देखने में क्या है, सिर्फ ए है, किस काम का है, लेकिन उसी एबीसी से पूरे सेंटेंस बनता है। वैसे ही आपका माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पीटी करवाई जाती है, इसको ऐसे मत समझा करो, सभी किया करो और खुश होकर करना उस चीज को, ठीक है, इसलिए आपकी असेंबली भी करवाई हमने, वो चीजें आपको बताई हैं कि जिस आप जिस चीज को बेकार समझते हो वो चीज बेकार नहीं है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, प्यारे बच्चों, सिर्फ टीचर बोले तब नहीं, अगर कोई भी आपको ऐसे बोलता है ना, आपने जो सीखना चाहिए वो समझ आता है, नहीं स्कूल में बच्चा बहुत एक्टिव है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हाँ सोचते हो प्यार बच्चे और डियर स्टूडेंट में क्या फर्क है, ग्राउंड को टच नहीं करना है, ऐसे उठा दो, बाहर निकालना सांस को। यस। आपकी क्लोज होनी चाहिए, बैक सीधी
क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जब हम एक्सरसाइज गलत करेंगे वो भी गलत ही होती है। वन इनहेल करना है, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है जितने ना, सबसे ज्यादा वही इंसान है जिनके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे काम नहीं करते हैं। हमारे फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा काम करना है, फिटनेस होगी तो एजुकेशन भी हमारे काम आएगी, आएगी ना। मैं बीमार हूं, मेरे को सिर दर्द हो रही है, मैं जितना मर्जी इंटेलिजेंट हूं लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर सकता अपनी पढ़ाई पे। तो इसलिए हेल्थ पे सबसे टॉप पे अपनी फिटनेस को रखा करो आप। हमारी लाइफ जीरो हो गई है, घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, यही सर्कल है ना हमारी बॉर्ड लाइफ का सर्कल क्या है, घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, बस यही घूम रहे हैं हम सर्कल में, तभी हम ज्यादा बीमार हैं। और खाने के लिए भी हम अच्छी चीजें नहीं खाते, मैंने बताया ना सोसाइटी में दोनों चीजें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है हम किस चीज को लेते हैं। अच्छी चीज को लेंगे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, दिमाग भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। अगर गलत चीज को करेंगे, हम फास्ट फूड खाते हैं लेकिन उसी चीज को हम गाली भी कारगर उल्टा सीधा बोलते हैं, बाजार में ये बिक रहा है वो बिक रहा है, बिक तभी रहा है क्योंकि आप जो इसको खा रहे हो। ठीक है, अभी हम योगा करेंगे, सभी मिलके करेंगे योगा, ठीक है।